अब इस बढ़िया वो आप खुद रखें, ये हुई ये अच्छा लगा आपको कि नहीं लगा, तो हम ले जाएं फिर आप जी ले जाएं। कुछ नाम रखा आपने कि नहीं रखा? काव्या नाम रख लिया, चलो बहुत अच्छा नाम है। पहली बेटी को सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? लाडली का मिला है। आपने सुकन्या के बारे में आपको पता है? सरकारी बैंक जो होते हैं वो सरकारी पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस सरकारी होते हैं, उससे क्या होता है सरकार की एक योजना चलती है सुकन्या समृद्धि। उसमें क्या होता है कि अगर आप मान के चलो 1,000 रुपये एक महीने के जमा करते हैं तो आप साल में 12,000 रुपये जमा करेंगे, ये पैसा आपको 14 साल जमा करना पड़ेगा, तो आप लगभग 1,68,000 रुपये जमा करेंगे, तो ये पैसा आपको 21 साल में, जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी शादी के समय, तो आपने 1,68,000 रुपये जमा किए तो आपको मिलेंगे लगभग 4.25 लाख रुपये मिलेंगे, 4.5 और 5 के बीच में मिलेंगे, मतलब कि आपने 2.25 जमा किए 4.5 मिलेगा, लगभग 3 गुना पैसा आपको मिल रहा है। और दूसरा ये हमने 1,000 का उदाहरण दिया है, आप 500 रुपये भी कर सकते हैं, 250 रुपये भी कर सकते हैं, 250 रुपये से लेके आपको जितना भी आप दे सकते हैं उतना पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप बच्ची को पढ़ाना, जैसा नहीं कि 17-18 साल में शादी करें उसकी और 10वीं तक पढ़ाई, उसको आगे तक पढ़ाना और योग्य बनाना, क्योंकि वो अपने पैरों पर सक्षम हो सके, है ना, अपने ज़िंदगी के निर्णय वो खुद ले सके, तो इस चीज़ में उसको सक्षम करना है ना। इसीलिए हम लोग महादेव समर्पण सेवा संस्था से आए और एक लव योर डॉटर एक कैंपेन चलाते हैं कि बेटियों को सशक्त बनाएं और उनको आगे लेकर आए, क्योंकि क्या होता है कि पहले जागरूकता थी पर लोगों के पास पहुँच नहीं थी कि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करें, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लोगों को नहीं पता रहता है, तो इस उद्देश्य से हम लोग ये सारे काम करते हैं। तो आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आपको बिटिया हुई है, तो दादी हैं आप इनकी, तो दादी हम ले जाएं आपके नातिन को? नहीं ले जाएं क्यों? आपको अच्छा लगा कि नहीं? तो फिर हम लोग किस दिन खाना खाने आ जाए घर पर? आ जाए, तो अभी तो कम लोग, पूरे लोग नहीं आए, 30-35 लोग हैं, बढ़िया पकवान मिलेंगे, चलो बहुत बढ़िया, शादी का दिन।